हमने ग्रीन चिल्ली के बाद डाला है इसमें नमक, और जो स्पाइसेस हमने इस पर ग्राइंड किए थे वो डाले हैं, हल्दी स्पाइसेस, और बस 2 चम्मच हमने योगर्ट डाला है। आप चाहें तो मत डालिएगा। इसको मैं 5 मिनट तक ऐसे फ्राई करूँगी, उसके बाद फिर तक राइस डाल। तो जी यहाँ हमारा फाइनल लुक रेडी है। मैं इसका ना उस वक्त रिकॉर्ड करना भूल गई थी, लेकिन फिर मैंने बाद में इसका कर लिया था। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, तो आप इस वक्त देख रहे हैं कुकिंग विद मुबशरा, और मैं हूँ मुबशरा। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक नई बहुत मज़ेदार सी रेसिपी, जो दावतों में खाई जाती है, घर में भी बना सकते हैं, और वैसे बहुत मज़ेदार होती है। बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स से बड़े पैसे बना रहे हैं आजकल। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मटन मंदी रेस्टोरेंट स्टाइल। तो ये हमने मटन ले लिया है। आप चाहे, मैंने 3 पीसेस कराए हैं घर के हिसाब से, बच्चों के हिसाब से, एक सब इजीली ले लें। आप लोग चाहें तो एक बड़ा पीस भी ले सकते हैं, लेकिन बस पीसेस करवाने का फ़ायदा ये होता है कि ज़्यादा जल्दी ये ना टेंडर हो जाता है, गल जाता है। देखें, इस तरह से हमें बोन का गोश्त चाहिए था, ये ले लिया है। मंदी के मसाला प्रिपेयर करने के लिए हमें चाहिए एक जायफल, जावित्री, दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, बादियान का फूल, तेज़पात, कुछ लौंगे, काली मिर्च। इन सबको हम अच्छे से खड़े मसालों को ग्राइंड कर लेंगे ताकि ये आपस में मिक्सअप हो जाए। ये सब मसाले हमने इसमें डाल दिए हैं, और अब हम इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए, मसाले हमारे पिस गए हैं, और क्या खुशबुआ आ रही है, माशाल्लाह माशाल्लाह, इसकी क्या खुशबुआ है, बहुत मज़ेदार लग रहा है ये, बहुत ही अच्छी खुशबुआ आ रही है सारे मसालों को मिलाकर। बहुत मज़ेदार ये मंदी स्पाइस हमारा तैयार हो गया है। 4 से 5 हरी मिर्चें लेंगे, उनको अच्छे से पीस लेंगे। यहाँ हमने ये अपनी हरी मिर्चें पीस ली हैं, अच्छा लग रहा है ये। मैंने एक साबुत जानबूझ के रखी है, थोड़ा उसमें ज़्यादा ऐसा आता है, इसलिए ये हमारी एक सीक्रेट टिप। ये हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है, हरी मिर्चों का पेस्ट है, मंदी है, नमक है। अब बस इसमें हमें कुछ नहीं डालना, बहुत आसान स्पाइसेस होंगे। इनको अच्छे से मैश करेंगे, इसमें लेमन ऐड करेंगे ऊपर से, और अपने मीट पे अच्छे से लगा देंगे। अब इनको हमने अच्छे से मिक्सअप कर लिया है। कितना अच्छा कलर आया है इसके अंदर, कितना मज़ेदार लग रहा है। डालेंगे लेमन जूस, इसमें वही आप अपने मीट पे अच्छे से कर। चाहे ना आप जल्दी का कलर भी डाल लें, फूड कलर हमारे यहाँ किसी को पसंद नहीं है, इसलिए मैं नहीं डालती इसे, कलर चेंज करने के लिए, वरना हम वो भी ऐड कर सकते हैं इसमें। अब उसको हम 20-25 मिनट के लिए ऐसे ही फ्रिज में रख देंगे, उसके बाद इसको फॉइल पेपर में कवर करेंगे। जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक कर दीजिएगा, मुझे कॉमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। लोग भी आज कुछ सोच
सोचा था स्पेशल, अब तो हमने इसको कवर कर दिया अच्छे से और अब इसको हम तकरीबन 1 घंटे तक ऐसे छोड़ेंगे, उसके बाद इसको स्टीम पे डालेंगे। हमने अपना स्टीमर ले लिया है और ये देखिए कैसे कवर हो जाता है। मैंने इसे पानी डाल के स्टीमर मेरा बड़ा अच्छा है, उसमें ना बड़े बड़ा मटन का पीस जो है ना 20-25 मिनट तक सब बन जाता है। ये मैंने अपने फॉइल सारा मटन जो है इसमें मैंने डाल दिया है। अब मैं इसको कवर करके तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए बिल्कुल छोड़ दूँगी। ये मैंने इसको कवर कर दिया है और अब मैं इसको तकरीबन 2-2.5-3 घंटे जब तक मेरा मीट अच्छे से गल नहीं जाता तब तक के लिए छोड़ देती हूँ। ये मंदी बिल्कुल हमारी तैयार है। यहाँ पर राइस तैयार करेंगे। मैंने ये ऑयल अपना हीटर पर रख दिया है, एग मैंने यहाँ बॉयल होने रख दिए हैं अपने, बस इसमें अपनी प्याज फ्राई करेंगे अब हम। यहाँ मैंने अपनी प्याज फ्राई होने के लिए रख दी है, जैसे ही ये फ्राई होगी इसमें हम हरी मिर्च डालेंगे। बहुत आसान से तरीके से बनते हैं, इसमें बहुत कम इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं और जल्दी फटाफट से ये राइस तैयार हो जाते हैं। हमें इतनी ही पॉइंट तक अपनी प्याज लाल रखनी है, हमें इसको फुल ब्राउन नहीं करना है वरना हमारे राइस का कलर चेंज हो जाएगा। इस पॉइंट पे हम इसको डालेंगे ग्रीन चिल्ली। यहाँ हमने ग्रीन चिल्ली के बाद डाला है इसमें नमक और जो स्पाइसेस हमने इस पर ग्राइंड किए थे वो डाले हैं, हल्दी स्पाइसेस और बस 2 चम्मच हमने योगर्ट डाला है। आप चाहें तो मत डालिएगा। इसको मैं 5 मिनट तक ऐसे फ्राई करूँगी, उसके बाद फिर इसका प्राइस डालूँगी।